हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए उस परमेश्वर की तारीफ करिए, उसका धन्यवाद करिए, उसका गुणानुवाद करिए, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है, ठीक है? यीशु मसीह से प्रेम करिए, उसी से लिप्त रहिए मेरे प्रियजनों, क्योंकि वह महान है, जीवित है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्रियजनों, यदि आप अपने हालातों से टूट चुके हैं, यदि आप निराशा में हैं, डरे हैं या घबराए हुए हैं, टेंशन में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे प्रियजनों, आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, ना परेशान होना है। यदि आपके रास्ते दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा है, तो आज आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रभु के पास आना है, यीशु मसीह के पास आना है। हमारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियजनों, ठीक है? क्योंकि वह अल्फा ओमेगा, आदि और अंत है मेरे प्रियजनों। वही उसी ने बनाया, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वो आदि से है, अंत तक वही रहेगा मेरे प्रियजनों, ठीक है? यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तेरी इच्छाओं की बातों को जानता हूँ, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं मैं जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए मैं जानता हूँ, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे दूंगा, मैं तेरा पिता हूँ। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को निराश उदास होने नहीं देता है। अगर हम सभी से कोई गुनाह या पाप हुआ है या धर्म हुआ है, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बताना है, यीशु मसीह से बोलना है। मैं आपसे बता रहा हूँ, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह ने कहा है, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है, उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है। मेरे प्रियजनों, वचन कहता है प्रभु का, जो अपने अपराधों को मान लेता है, उन्हें छोड़ देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी, उसके गुनाहों को माफ़ किया जाएगा, उनके काम सफल होंगे, उनके काम बनेंगे, उनके गुनाहों को माफ़ किया जाएगा। मेरे प्रियजनों, कुछ ऐसी कमियां होती हैं हमारे जीवन में, जिस वजह से प्रभु हमारी प्रार्थनाओं नहीं सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, उसका शब्द भी पवित्र है। मेरे प्रियजनों, स्वर्ग में स्वर्गदूत बिना विश्राम किए हुए रातों दिन यही कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, हमारा सेनाओं का यहोवा पवित्र है। मेरे प्रियजनों, अपने आप को पवित्र करिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के पास आए, हमारा प्रभु पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें पवित्र बने रहना है, पवित्र बना के रखना है, कोई पाप, कोई अधर्म, कोई गुनाह हमारे अंदर प्रवेश न करने पाए। हम क्या हैं? हम परमेश्वर का मंदिर हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हमारी जो देह है, हम प्रभु का मंदिर हैं। प्रभु हाथ के बनाए हुए मकान में नहीं रहता है, परमेश्वर हम सभी के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? दिल में रहता है। परमेश्वर हम सभी के दिल में रहता है, हृदय में रहता है। यीशु मसीह का वचन कहता है, देख मैं तेरे हृदय के दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुन के अपना दिल का दरवाजा खोलता है, तो मैं उसके अंदर आऊँगा, उसके भीतर आऊँगा, उसके साथ भोजन करूँगा। परमेश्वर भोजन करेगा, आपके अंदर आएगा। प्रभु को बुलाना है, परमेश्वर को बुलाना, मैं बता रहा हूँ, आप बदलोगे, आपका घराना बदलेगा। यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार है, लाचार है, गरीब है, फकीर हैं, ना लाचार है, नादान है, गरीब हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोल देना है। यदि आपको बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, यदि आपके घर में लड़ा झगड़ा हो रहा है, यदि आपको कोई नज़र तारा नहीं आ रहा, रास्ते दरवाजे बंद हो चुके, कोई आपकी मदद सहायता नहीं कर रहा है, तो मैं आपसे बता रहा हूँ मेरे प्रियजनों, यदि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हो, यदि आप प्रभु के पीछे आओगे, प्रभु पर विश्वास करोगे, उसको अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करोगे, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा, आपके जीवन को बदलेगा हमारा परमेश्वर। हमें विश्वास करना है और बोलना है परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर, मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरा बाप है, मैं अपने अपराधों को, मैं अपने गुनाहों को मैं मानता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, मुझे माफ़ कर, मेरे जीवन में मेरे जीवन को नया कर दे, अपनी आत्मा मुझे दीजिए। बोलो आज परमेश्वर को मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनना है, लास्ट तक सुनना है, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 पतरस पवित्र सेनाओं की यहोवा पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र हैं। मेरे परमेश्वर आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी तारीफ करते, आपकी जय जयकार करते। महान हैं, जीवित हैं, आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे प्रभु हम सभी को जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे प्रभु। इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे परमेश्वर जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से भी बिछड़ गए होंगे, एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ की कीड़े कभी नहीं मरते। मेरे परमेश्वर जो आपने हमें जीवित रखा है, श्वास दिया, संभाल के रखा है, दिन दिखाया, किरण दिखाई, अवसर दिया, मेरे परमेश्वर हम आपकी महिमा करते, तारीफ करते। मेरे प्रभु आपने कहा है, मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है, तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेके पुकारा, तू मेरा ही है। पिता आपने कहा है एक माँ दूध पिलाती हुई माँ अपने पुत्र को छोड़ सकती, उसे भूल सकती है पिता, परंतु आपने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम, तेरा चित्र अपने हथेली पे खोद के बनाया है, तू मेरा बेटा है। प्रभु कहता है मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आए बहुत से तुम्हें मानने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप बोझ में है, दबे हैं, ग्रस्त हैं, बीमारी में है, बोझ में दबे हैं, कर्ज में है, तो मैं बता रहा हूँ प्रभु के पास आओ। मेरे पिता मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग बोझ में हैं, कर्ज में हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, फकीर हैं, नादान हैं, मेरे परमेश्वर जो टूट चुके, रो रहे, बिलख रहे, चिल्ला रहे, मेरे प्रभु इनकी परिस्थितियों को चेंज करें। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूँ, दाऊद की संतान चेंज करें, चेंज में पवित्र आत्मा चेंज करें, सुनासिर के नाम में चेंज करें, पवित्र आत्मा आजाद करें, आजाद करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 राजाओं के राजा हैं आप, प्रभु के प्रभु पिता। आपने मेरे दुख जिला, अंधों को आंख दी, दृष्टि दिया, कोढ़े पाजों को शुद्ध किया, मेरे परमेश्वर महान आश्चर्य काम करने यहोवा जुलावर है। मेरे परमेश्वर आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, तारीफ करते। मेरे पिता मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो हॉस्पिटल में एडमिट, जो खाट पर, जो बेड पर पड़े पिता, जिनके कैंसर, गिल्टिया, रसोलिया, पथनिया पिता रो रहे हैं, मेरे प्रभु मैं विनती करता हूँ, मेरे परमेश्वर चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, बीमारियां जाए, आजाद हो जाए, इनका घराना आजाद हो जाए। प्रभु चंगाई दीजिए, पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुरंत करूंगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, या चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है पिता, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, दाऊद की संतान मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा से वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, यीशु नासरी के नाम में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए मेरे परमेश्वर, इनका घराना आजाद हो जाए, आजाद हो जाए ये मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो मस्जिद में रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भलगता, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से डरना। प्रभु मुझे आशा विश्वास से आपने प्रार्थना को सुना है, छोटे समय तू उद्धार करता, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करेगा, आमीन।